हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका सिंगरौली के टेस्ट एंड ब्लॉग में। तो आप सभी को हैप्पी होली। आज है होली और सुबह से ही मैं लगी थी काम पे कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके होली खेलेंगे। तो ये मैं इस फर्स्ट टाइम में इतना सारा होली खेली आपको देखने को आगे मिलेगा। और मैं आज खाने में क्या क्या बनाई हूँ आपको मैं दिखाती हूँ, और आपकी होली कैसे जा रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रही मेरी होली स्पेशल थाली। तो इसमें है पुआ है और नमकीन है, फ्रूट का शरद है, दही बड़े है और कटहल की सब्ज़ी। आज के दिन हमारे यहाँ कटहल की सब्ज़ी बनती है, तो इसलिए मैं सिर्फ कटहल की सब्जी बनाई हूँ। ये खाना हो गया बनके रेडी। फिर यहाँ पे एक लव की, ये देखिए होली की तैयारी। भाई जितने हम लोग बचते हैं होली से, ये मेरा बच्चा उतना ही एक्साइटेड रहता है होली खेलने के लिए। एकदम सुबह से तैयार था, मम्मी कब चलना है, मम्मी कब चलना है होली खेलने के लिए। तो यहाँ पे ये कपड़े उपड़े पहन के रेडी हो चुका है। यहाँ हस्बैंड जी ड्यूटी से आके अपने काम में लग गए हैं सफाई में, और यहाँ पे ये भी अपने काम में लग गया है होली खेलने जाने के लिए। ये बहुत मतलब एक्साइटेड था। तो ये भागे भागे हम लोग को फ़ोन आया, तो हम लोग चले गए होली खेलने के लिए फ्रेंड्स के। तो यहाँ पे मेरा देखिए कैसे मैं तेल से पूरा नहा ली हूँ, अगर बाई चांस कोई कलर एकदम पक्का वाला लगा दिया तो आराम से छूट जाएगा। और यहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स हैं अपनी कॉलोनी की, तो उन लोग के साथ मैं होली खेली इस बार। तो ये देखिए क्लबिक की, बाप रे जो होली खेला ये लड़का, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नॉन स्टॉप इसकी होली चल रही थी, मेरे ऊपर कलर डाल रहा था, तो मैं मोबाइल थोड़ा साइड में कर रही थी कहीं पानी ना डाल दे मोबाइल में। ये देखिए मेरी फ्रेंड्स लोग का क्या हाल हुआ है, और ये तो मुझे भी नहीं छोड़ रहा था, इतना मतलब परेशान करके रख दिया था। अब फिर हम लोग फिर कुछ देर घर चले गए, फिर खा पी के आराम से सो गए जो थक गए थे ना। फिर सीधे शाम को हम लोग उठे, फिर मम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो गए। होली का रंग छूट गया बहुत, अब बहुत मुश्किल से रंग भी छूट गए। तब जल्दी से रेडी होकर हम लोग चले गए मम्मी के घर। फिर वहाँ जाके भी थोड़ा बहुत मतलब रंग उंग लगाए और मम्मी लोग का आशीर्वाद लिए। तो ये देखिए मैं मायके भी पहुँच गई। यहाँ पे मम्मी पापा हैं, और ये पे देखिए मेरे जीजू हैं, ये बड़े वाले, एक ही जीजू हैं, बड़े चाहे छोटे कह ले, तो यही जीजू हमारे बैठे हैं यहाँ पे, और ये सब कोई बच्चे। फिर इसके बाद हम लोग ने मम्मी लोग को कलर लगाया, देखिए कैसे लगा दिए। लोग मौका चाहिए मुझे कलर लगाने का, मैं जितने कलर से दूर भागती हूँ उतने ये लोग मुझे कलर लेके आते हैं। और ये हमारे दादाजी हैं, इनका भी आशीर्वाद लेके हम लोग आगे चलते हैं। फिर बड़े पापा के घर आ गई, और यहाँ पे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ी भाभी, ये घर की सबसे बड़ी बहू है और हमारी बड़ी भाभी। तो इन लोग को कलर लगा के इनका भी आशीर्वाद लेके हम लोग चल जाते हैं मझले वाले पापा के घर, और वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे तो कोई मिला कलर लगाने को, तो इसलिए थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे आके बैठे, थोड़ी बातें होते किए, क्योंकि जो बहन की भी नई नई शादी हुई है उसके साथ थोड़ी सी बातें होते किए। फिर हम लोग चल दिए और फिर घर आ गए, क्योंकि लव ने बहुत ज़्यादा कलर खेल लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे भी बहुत कलर लगा दिए थे लोग, और ये देखिए ये इतना कलर लगा लिया था, बदमाश, इतना बदमाशी किया कि इसको जो मतलब बोलता है मामा बहुत मज़ा आ गया कलर लगा के होली खेल के। और मेरे भी थोड़े भी देख रहे कितने सारे कलर लगे हुए हैं, तब इसे निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को ये होली का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई हमारी होली तो इस बार बहुत हैप्पी वाली गई, क्योंकि बहुत इस बार हम लोग ने कलर खेला, देख ही सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि। तो आप लोग की होली कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे और हैप्पी होली।